हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार। स्वागत है आप सभी लोग का फिर दोबारा से मेरे किचन में। दोस्तों मैं फिर दोबारा से हाजिर हूं एक और नई रेसिपी लेके आप लोगों के बीच। दोस्तों जो इस बार की रेसिपी है, ओल्ड दिल्ली की चाट तो हम सभी को बहुत पसंद आती है, और उसमें डलने वाली लाल चटनी की तो दोस्तों क्या बात है, उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो दोस्तों वही चटनी की रेसिपी आज लेके आया हूं आप लोगों के बीच, और हलवाई स्टाइल में ये चटनी बनाएंगे हम अपने किचन में। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। इमली 1 कप, गुड़ 1 कप, काला नमक आधा चम्मच, सफ़ेद नमक आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, सौंफ पाउडर आधा चम्मच, मगज 1 चम्मच। इमली चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने मीडियम साइज़ का पतीला लिया है, और इसमें 3 बड़े गिलास हम पानी ऐड कर देंगे। लगभग मैं यहाँ पे 1 लीटर पानी यूज़ कर रहा हूँ इमली चटनी बनाने के लिए। और अब इसमें हम इमली भी ऐड कर देंगे, ये लगभग 50 से 60 ग्राम इमली है। और अपने पानी में एक अच्छा सा अब बॉयल आने देंगे ताकि हमारी इमली अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो आइए, तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ ऑर्गेनिक खाद, जिसका नाम है खाद नाथ वर्मी कंपोस्ट, जो कि पूरी ऑर्गेनिक खाद है। जिस तरह से हमारा एक खराब फेस वॉश हमारी फेस खराब कर सकता है, उसी तरह से खराब खाद हमारी फसल खराब कर सकती है। तो दोस्तों ये पूरी ऑर्गेनिक ओरिजिनल खाद है। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है बाय वन गेट वन फ्री, और इसकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका दे रखा है, वहां से भी इसकी जानकारी पूरी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी चटनी की तरफ। तो अब हमारे पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है, ये देखिए हमारी इमली भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हमारा इमली का पानी अच्छे से ठंडा हो चुका है, और अब इसको हम हल्के हाथों से अच्छे से मसल लेंगे ताकि जितना भी इमली का पल्प है अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए, और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। आप इसको छन्नी की मदद से भी छान सकते हैं, जो आपके पास बड़ी छन्नी हो। ये मैं ऐसे ही बाहर इसको निकाल देता हूँ। बस इसका जितना भी पल्प है हमारे पानी में अब आ चुका है, और अब इसको हम गैस फ्लेम पे बॉईल करेंगे अच्छे से। 10 से 12 मिनट तक हमें हाई फ्लेम पे बॉईल करना है। तो हमने अपने इमली के पानी को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लिया है 10 मिनट तक लगभग। अब यहाँ पे आधा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैं नॉर्मल यहाँ पे मिर्ची यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा। और साथ ही में यहाँ पे गुड़ 1 कप करीब। अब इसको हम 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने देंगे ताकि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो हमने 5 से 7 मिनट अपनी चटनी को मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लिया है। इसकी क्वांटिटी भी देखिए दोस्तों 50% हो चुकी है, और हमारी चटनी भी थिक होने लगी है। बस हमें इतना ही अपनी चटनी को बॉईल करना है, और यहाँ पर हम आधा चम्मच सौंफ पाउडर यानी कि सौंठ पाउडर डाल देंगे, और इसको भी मिक्स कर लेंगे, और हमारी चटनी अब बनके तैयार है। यहाँ पे फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, और जैसे ही हमारी ये चटनी ठंडी होगी वैसे ही थिक हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों 1/2 घंटे बाद हमारी चटनी ठंडी हो चुकी है, और इसकी थिकनेस देखिए कितनी ठीक है ना ये चटनी।
बस। तो हमारी चटनी बनके तैयार है। इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भी आप बंद करके रख सकते हैं, 15 से 20 दिन आप यूज़ कर सकते हैं। हमारी चटनी की थिकनेस देखिए, हमारी चटनी कितनी थिक बनी है और करछी पे भी एक अच्छा सा कोटिंग आ गया है। इससे पता चलता है हमारी चटनी एकदम परफेक्ट बनी है। अगर आप लोगों को पतली चटनी पसंद है तो थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यही परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और एक चम्मच मगज खरबूजे के बीज। यहाँ पे आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और केला, एक केला लिया है मैंने, इसको छोटे साइज़ में काट लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अंगूर भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, अनार के दाने भी, इसको और रिच बनाने के लिए। तो हमारी चटनी अब बनके तैयार है, इसे इंजॉय करें चाट पापड़ी के साथ, दही बल्ले के साथ, गोलगप्पे के साथ, समोसे के साथ, पकौड़े के साथ, किसी के भी साथ भी खाइए। आप इस चटनी को एक बार ज़रूर बनाइए, आपको ओल्ड दिल्ली की ज़रूर याद आ जाएगी। दोस्तों अगर आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।